नम्रता इतनी रखी है कि कोई बेगाना भी हंस के मिले तो दिल हार जाते हैं। अकड़ भी उतनी रखी है कि कोई अपना पेट दिखा जाए तो विसार जाते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम स्वीन सैनी, करियर कंसल्टेंट, लाइफ कोच एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। बहुत सारे लोगों की लाइफ में साइकोलॉजिकल हेल्प देते देते, इमोशनली सपोर्ट करते करते, काउंसलिंग करते करते, और जनरली भी मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ा रोग, पहले तो ये कहते थे कि क्या कहेंगे लोग, लेकिन आज जो एक दिक्कत है वो है डिसएग्रीमेंट्स इन रिलेशनशिप। हमारा एक दूसरे से विचारों का मतभेद होना, ओपिनियन का मेल ना खाना, सोच का अलग होना, एंड वी फील इट वेरी डिफ़िकल्ट, वी फाइंड इट वेरी डिफ़िकल्ट टू लाइक एग्री टू डिसएग्री, जिसको हम बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक्सपेक्ट करना ही अपने आप में बड़ी हार्मफुल इक्वेशन है, बिकॉज ह्यूमन जो एक फैक्ट्री है उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, ऑटोमेटिक सेटिंग यही है कि दो लोग, चाहे वो ट्विन्स भी हों, वो कभी भी एक जैसा ना तो सोच सकते हैं, ना फील कर सकते हैं, ना बिहेव कर सकते हैं। Every entity is totally different from the other individual. और जब हम इतने different हैं तो फिर हम एक जैसा सोचें, एक जैसा बोलें, एक जैसा करें, एक जैसा महसूस करें, ये कैसे हो सकता है? और जब तक ये समझ नहीं आता, सच में बड़ा दुखदायी है, बड़ी तकलीफ होती है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक solution है कि हमें इस चीज़ को accept करना है कि we all are different at thinking level, इमोशन लेवल एंड या फीलिंग लेवल और एक्शन लेवल। और अगर हम चाहते हैं कि कोई ऐसा एक रिश्ता, उस रिश्ते की जो एक डिसएग्रीमेंट है, मिसमैच ऑफ ओपिनियन या थॉट्स है, वो हमें हार्म कर रही है, रिश्ते को अफेक्ट कर रही है, हमारे किसी भी लेवल ऑफ लाइफ को डिसफंक्शनल कर रही है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अपने अपने विचार रखें मतभेदों के साथ, दो लोगों का अनकंडीशनल, अनबायस्ड, नॉन जजमेंटल, एम्पैथेटिक डायलॉग होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी ऐसी इक्वेशन ना बने जिससे ये सारा सिनेरियो, सारे डायनेमिक्स ही जो है डिस्टर्ब हो जाएं। तो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, तजुर्बा बढ़ता है, जो कहते हैं कि अकम्पलिशमेंट्स बढ़ती हैं, अपनी अपनी अचीवमेंट्स होती हैं, अपना अपना एक वजूद होता है, अपनी अपनी एक एग्जिस्टेंस होती है, उसको नकार के किसी दूसरे को स्वीकारना, उसके साथ हो चलना अगर मुश्किल लग रहा है, तो हम हैं आपका सपोर्ट करने के लिए। ये सारे जितने भी कॉग्निटिव पैटर्न्स, कोर बिलीफ हमारे यहाँ फिक्स हो जाते हैं, एटीट्यूड्स जो हैं वो रिजिड हो जाते हैं ड्यू टू आर अपब्रिंगिंग, ड्यू टू आर कंडीशनिंग, ड्यू टू आर एनवायरमेंटल सिचुएशंस, तो उनमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी लाना, थोड़ा स्पॉन्जी करना, और साइकोलॉजिकल टेक्निक्स के थ्रू आपको तैयार करना, इवन कपल्स के ऊपर भी, या दो लोग जो रिलेशनशिप में हों, भले ही वो सिबलिंग हैं, भले ही वो पेरेंट और चाइल्ड है, उस पर हम लगातार काम कर रहे हैं, और विद सक्सेसफुल रिजल्ट्स पीपल आर इंजॉइंग देयर रिलेशनशिप, their bond and unconditional attachments. So I'm just a call away. Book your session, meet me and come out of all this chaos of relationship. Swasth rahein, vyast rahein, mast rahein. Shukriya.